विदेशी बाजारों में भारी मंदी के चलते ज्यादातर तेल तिलहनों के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक खाद्य तेलों में आई गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को दिलाने के लिए अब सरकार को कई कारगर कदम उठाने होंगे, क्योंकि इन खाद्य तेलों की कीमतों के टूटने के बावजूद इन तेलों के MRP जस के तस बने हुए हैं। दरअसल पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन के भाव लगभग आधे से कम हो चुके हैं। खाद्य तेलों में भारी गिरावट के बावजूद तेल कंपनियों के MRP ऊंचे बने हुए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं भारी मंदी से तेल उद्योग, आयातक और छोटे सरसों तेल मिल वाले कंगाली के कगार पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर पाम ऑयल की कीमतों में 4-5 माह पहले 158 रुपए किलोग्राम से घटकर 70 रुपए तक रह गई हैं। इतनी गिरावट के बावजूद बाजार में इसकी कोई खास खरीदारी नहीं है। दरअसल विदेशों में भाव टूटने के बाद सरकार को भी इन तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP में कमी लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।